नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज से फिर आपसे मुखातिब हूँ। मुखातिब हूँ ऐसी मौजों को लेकर। प्रदेश के अंदर चुनाव बिल्कुल मुहाने पे आ गया है और तस्वीर बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है। खासकर हांसी हलके की जब हम बात करें तो हांसी हलके के तकरीबन पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और योद्धा बन के वो मैदान में चल गए हैं। सबने अपने नॉमिनेशन फाइल करने शुरू कर दिए हैं क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने की 4 अक्टूबर आखिरी तारीख है। ऐसे में जैसे हमें मालूम पड़ा है कि तस्वीर बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता विनोद भ्याना जी मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस के एक ओपी पंघाल जो हैं, जिन्हें हम नहीं जान पाते कि कहाँ के रहने वाले हैं, वो मैदान में उतरे हैं और जेजेपी के एक और युवा नेता मैदान में उतरे हैं। स्वर्गीय अमित चंद मक्कर जी जो 3 बार विधायक रहे हैं, उनके पोते राहुल मक्कर मैदान में उतरे हैं। उधर हरिराम सैनी जो पार्षद रहे हैं 3 योजना में, वो भी लोजपा की टिकट लेकर आज नामांकन भरने के लिए निकल पड़े हैं। बीएसपी ने पहले ही अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था सुरेंद्र शर्मा के रूप में। और ऐसे में आम आदमी पार्टी सबसे पहले जिसने अपना यानी कि उम्मीदवार डिक्लेयर किया, वो आज नॉमिनेशन फाइल कर रहा है। ऐसे में तस्वीर बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है कितने प्रत्याशी यानी कि आज़ाद उतरेंगे या कितने पार्टियों के उतरेंगे। पार्टियों के प्रत्याशियों के हमने नाम अभी आपके सामने रखे हैं, इनेलो के प्रत्याशी का नाम आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में रहे सीपीएस विनोद भ्याना को मैदान में उतारा है। उन्हीं की पार्टी में उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा जो टिकट से वंचित रह गए हैं, उन्हीं के नेताओं द्वारा विरोध भी जग जाहिर हो रहा है, पुतला भी फूका गया है। ऐसे में हमारे साथ यानी कि एक युवा उत्साही भाजपा कार्यकर्ता, युवा नेता जो विभिन्न यानी कि एक बड़ी अच्छी सोच रखते हैं, एक व्यवसायी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी मैं कहूँगा कि शौक के नहीं होगी, युवा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है नवीन ठाकुर के रूप में, जो पूर्व में कई पार्टियों के वरिष्ठ पदों पर भी रहे और भारतीय जनता पार्टी में अब हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि हांसी का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा, क्या ऐसे में इतना विरोध पार्टी के अंदर, इतना अंतर्कलह टिकट को लेकर, क्या इसको विनोद भ्याना मेकअप कर पाएंगे, विनोद भ्याना कितनी लीड लेके चल रहे हैं, क्या ये लीड बरकरार रहेगी चुनाव के अंतिम दिन तक। 21 अक्टूबर को चुनाव होना है और आपने अपने मतों का प्रयोग करना है। हमारे बीच नवीन ठाकुर हैं, जैसे मैंने इनके प्रोफाइल के बारे में आपको बताया। नवीन ठाकुर जी एक बड़े उत्साही युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बताएं कि भी ये 75 पार का नारा जो बीजेपी का है कितना बेमानी और कितना सही है। पहले तो मैं हांसी की आवाज़ को सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और राजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 75 पार नहीं ली, मैं बताता हूँ आप 85 पार होगी इस बार भारतीय जनता पार्टी। कोई भी विपक्षी पार्टी आज हरियाणा के अंदर किसी प्रकार की आधारहीन है, मैं नहीं मानता कि कोई हमारे सामने विपक्ष का कोई भी व्यक्ति स्टैंड करता हो भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जितने 5 वर्षों के अंदर कार्य मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा प्रदेश में करवाए हैं, शायद ही 70 साल से किसी और व्यक्ति पार्टी ने करवाए। केंद्र के इश्यूज अलग होते हैं। दोबारा प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी के जो छदम राष्ट्रवाद का नारा देकर यानी कि पावर में आए और पहले से ज्यादा बहुमत में आए। स्टेट के कहते हैं कि इश्यूज अलग होते हैं, स्टेट के अपने कुछ अलग अलग मसले होते हैं, तो उन मसलों में रीजनल पार्टी भी आती है, जेजेपी भी है जिसमें आप खुद भी रहे हैं जेजेपी में, और ऐसी और पार्टियां, कांग्रेस भी है, अन्य पार्टियां भी हैं जो रीजनल पार्टीज हैं। क्या रीजनल पार्टीज और कांग्रेस पार्टी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को सत को दोबारा आने में रोकने में सक्षम है या नहीं है? नहीं, ऐसी किसी की पार्टी मुझे नहीं लगता कि आज किसी पार्टी के अंदर ऐसा उद्यम है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों के अंदर बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम किया है, निष्पक्ष रूप से काम किया है। बच्चों की नौकरियां लगवाई है पिछले इन 5 वर्षों के अंदर, किसी प्रकार की ना कोई पर्ची है ना कोई खर्ची है, जो बच्चा टैलेंटेड होगा उस व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। हांसी की बदहाली का किसको जिम्मेवार मानते हैं? हांसी में आपने कहते हैं कि सशक्त उम्मीदवार विनोद भ्याना के रूप में था, लेकिन हांसी बदहाल है। 4-5 साल के अंदर आप खुद भी एक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, क्या आपको नजर नहीं आता कि हांसी में विकास नहीं हुआ? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, सफाई के मामले में तो मैं मानता हूँ कि हांसी कुछ पिछड़ा हुआ जरूर है, बाकी विकास की गति हांसी के अंदर धीरे धीरे चल रही है। जिस प्रकार से हम कभी अपना कोई नया मकान भी बनाते हैं ना, तो उस मकान को तोड़ के जो उसका ढांचा बनाया जाता है, तो उसको भी बनाने में 2-3-4 साल लग जाते हैं। तो इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी नई नई अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर आई थी
और हांसी के अंदर कोई विधायक भी नहीं था, ये भी बड़ी कमी रही हांसी के अंदर। फिर भी हांसी नगर परिषद के चेयरमैन ने हांसी को बड़ा अच्छे तरीके से काम करवाने का प्रयास किया है, सफाई व्यवस्था भी मान सकता हूँ। बाकी गलियां आज पूरी गलियां बन रही है, सिटी लाइटिंग का पूरा कार्य चल रहा है, हर गली गली के अंदर विकास की बयार भरी हुई है। हांसी में विकास की बयार आप कह रहे हैं, आप पहले एक ऐसे शख्स हैं इवन यानी कि आपके प्रत्याशी भी हांसी को बदहाल कहते हैं, लेकिन इस जो हांसी विकास हुए उसको रेणुका जी को क्रेडिट जाना चाहिए जो यहाँ के विधायक है कांग्रेस की। नहीं, उन्होंने तो कोई काम करा ही ना जी, ना तो उनकी विधानसभा के अंदर किसी बार गिनती हुई है, ना कभी हांसी के अंदर कभी आई है। जब वो हांसी के अंदर आती है तो अखबार के अंदर हेडलाइन बनती है कि हांसी के अंदर रेणुका बिश्नोई एमएलए आई। क्या कोई ऐसा कोई हमारा कोई पराई है वो, जिस व्यक्ति को हमने चुनकर यहाँ बनाया था और वही बाहर से आती है कभी कभार होली दिवाली के पर्व आती है हमारे पास, तो इस अगर कहीं ना कहीं हांसी के अंदर किसी प्रकार की कमी रही है ना, वो सिर्फ रेणुका बिश्नोई की रही है। अगर आज उनके अंदर इतना दम होता तो वो चुनाव लड़ती आकर। एक बात और पूछता हूँ, वैसे तो हम सब सामाजिक प्राणी हैं, सभी जातियों में विश्वास रखते हैं, एक दूसरे से मेलजोल भी है, सबसे उठना बैठना है। जब राजनीतिक की बात आती है, जब इलेक्शन की बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो हम सब जातीय संगठनों में बह जाते हैं। ऐसे में एक कदावर पंजाबी नेता और आए हैं जेजेपी से, राहुल मक्कर, जिनकी यानी कि राजनीतिक पृष्ठभूमि काफी है, तो वो कितना डेंट डालेंगे विनोद भ्याना को? आपकी पार्टी के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी, क्या इलेक्शन टफ नहीं हो जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं जी कि टफ हो जाएगा। लोगों के संपर्क उनसे अब कटे हुए हैं काफ़ी दिनों से, और विनोद भ्याना जी निरंतर पब्लिक के अंदर रहते हैं, पब्लिक से मिलते जुलते हैं, और पिछले उनकी जब 2009 से 2014 की टर्म रही थी विनोद भ्याना जी की, तब भी उन्होंने काफ़ी विकास और काफ़ी कार्य यहाँ करवाए थे हांसी के अंदर, तो लोगों की भावनाएं विनोद भ्याना जी से जुड़ी हुई हैं। विनोद भ्याना जी के खिलाफ आपकी की पार्टी की बड़ी जो टिकट से वंचित रह गए या कुछ और अन्य उत्साही कार्यकर्ता है विरोध प्रकट कर रहे हैं, आज भी यानी कि दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, कैसे न कैसे उनकी टिकट यानी कट जाए, तो ऐसे में कैसे पार पाएंगे जब यानी कि अंतर कलह इतना हो जाएगा, अंतर विरोध इतना हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे नेता हैं जो सामने भी आके और पीठ पीछे भी उनको यानी कि उनकी पीछे से उनकी काट करते हैं? देखिए राजीव जी, जितनी बड़ी पार्टी होती है ना उतनी ही दिक्कतें आती हैं। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के आज हमारे पास 10 कैंडिडेट थे, तो 10 को तो टिकट मिल नहीं सकती, टिकट तो एक को ही मिलेगी, और जिस दिन टिकट मिल गई थी उस दिन ये विवाद सारा का सारा खत्म हो गया था। धीरे धीरे सभी के सभी हमारे भाई हमारे साथ एक मंच के ऊपर होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर विनोद भ्याना जी को कम से कम भी 30,000 वोटों से विजयी रहेगी। रूठो को मना देंगे बिल्कुल जी, जिला बनना चाहिए जी, ये काफी समय से हमारे सबकी लंबी डिमांड रही है, और माननीय मनोहर खट्टर जी ने पीछे हांसी जिला पुलिस को बना दिया था, फिर भी हम सबकी मेरी पर्सनल भी यही चीज है कि हांसी को आप जिला बनाए, जिला बनाने से हांसी का विकास होगा, और सड़कें और गलियां हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके अंदर भ्याना जी आएंगे और उसको अच्छे तरीके से कार्य करवाएंगे, एक्सपीरियंस भी है उनके पास काफी कार्य करवाने का। ये थे नवीन ठाकुर जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, और कहते हैं कि हांसी के अंदर यानी कि विकास हो रहा है, और जो नहीं हुआ वो विधायक की जिम्मेवारी थी जो मतदान छोड़ के भाग गई है, और विनोद भ्याना जी एटलीस्ट इनकी ये इतना आश्वस्त है कि 30,000 वोटों से ये विजयी होगी। जब हमने पूछा कि राहुल मक्कर जी उन्हीं के समाज के पंजाबी समाज के कदावर युवा नेता हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, वो स्वयं यानी कि सक्षम है और पार्टी इतनी सक्षम है कि वो 30,000 के मार्जिन से जीतकर यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सीट जो है मनोहर लाल खट्टर जी की झोली में डालेंगे। नमस्कार, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आप मेरे सहयोगी एडिटर अजय सैनी जी के साथ फिर मिलता हूँ एक नए कार्यक्रम में। आपसे एक वादा जरूर चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन दबाइएगा, और आप हमें हमेशा इसी तरह सहयोग देते रहिएगा। हम ताज़ा तरीन युवाओं को और ऐसे राजनीतिक समाचारों को आपके समक्ष लाते रहेंगे। चुनाव अभी नज़दीक आ गया है, ऐसे ऐसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा सरगर्मियाँ तेज होंगी, तो हमारे चैनल की भी सरगर्मियाँ तेज होती रहेंगी और एक एक कार्यक्रम आपके समक्ष करेंगे। आपसे विदा चाहता हूँ, नमस्कार, फिर मिलता हूँ एक नए कार्यक्रम।